हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यारी चैनल दीपक दीज क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कैंसिस के बारे में, जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर, तो आपको यहाँ पे भी चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की वीडियोज को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन वो है असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में। और ये जो वैकेंसी निकाली है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप bbau.ac.in/career-teaching पे आप गूगल पे जालेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, ब्रीफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, और यहाँ पे कॉलिजेंडम टू एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करिए, यहाँ से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हम देख लेते हैं जो इसका डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। तो जैसे आप डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो लाइक आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर टीचिंग पोजीशंस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो स्कूल मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज को निकाली गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी में वैकेंसीज को प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे निकाली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस लाइक डिजिग्नेशन में यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंसेस में भी वैकेंसीज को निकाला गया है, स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में वैकेंसीज को निकाला गया, स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका साइंस बैकग्राउंड हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड हो, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक, तो आप नीचे आप देख सकते हैं आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं आप उसके थ्रू जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपका जो है डिटेल्स भी दे रखी है पोस्ट की, कि किस पोस्ट पे प्रोफेसर में कितना वैकेंसी है, कितना एसोसिएट प्रोफेसर में, कितना असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो अगर यहाँ पे प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका PhD डिग्री होना चाहिए, आपकी मिनिमम से 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए। ठीक है, पीयर रिव्यू जर्नल में, और आपको मिनिमम यहाँ पे 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर भी आपका जो है आपका PhD डिग्री आपके पास होना चाहिए, मिनिमम आपका यहाँ पे 8 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके मिनिमम जो है 55% मार्क्स जो है आपका मास्टर लेवल पे होना चाहिए। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे, तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 11 सब्जेक्ट में, और आपका इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका CSI UGC नेट भी क्लियर हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने PhD में 2009 से पहले अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपका यहाँ पे जो है आपका PhD डिग्री आपका जो है रेगुलर बॉडी होना चाहिए, आपका PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएट किया होना चाहिए, और आपके मिनिमम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके PhD वर्क से, और आपने अपने वर्क को 2 लाइक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है चाहिए अगर आपका PhD जो है वो 2009 से पहले रजिस्टर किया गया है। तो ये सब एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है। तो अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो जो एलिजिबिलिटी है उसे अच्छे से जो है देख लें, उसके बाद इसके लिए अप्लाई करें। यहाँ बात करें आप पे लेवल पे रेंज की, तो अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे तो यहाँ पे आपको 14 पे लेवल का जो है आपको ग्रेड पे दिया जाएगा, जिसका जो रेंज रहेगा वो 1,44,200 टू 2,18,200 रहेगा। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल 13A और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 का जो है आपको यहाँ पे पे ग्रेड दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो मेंशन है वो है आपका डेट जो है स्टार्ट होने का ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जुलाई 2022 है, और लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर फी सबमिशन का लास्ट डेट 19 अगस्त यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब बात करें अगर एप्लीकेशन फी की, जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फी पे करना होगा। वहीं अगर आप EWS SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है 500 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी का हो गया। इसके अलावा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप bbau.ac.in पर जाके जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप मेंशन कर रखें, तो आपको अप्लाई करने से पहले इस ये नोटिफिकेशन जो अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपका यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।